एक शिकायत है टीवीएस से, क्या 110 स्कूटर में जो है वो किक क्यों हटा दी? पहले 125 में नहीं आती थी, लेकिन अब इन्हीं ने जो है वो 110 में भी किक हटा दी है, तो ये मेरी एक शिकायत है टीवीएस से। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम मेरे पीछे देख रहे हैं ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110। तो आज मैं करने वाला हूं उसका डिटेल रिव्यू कि आपको जुपिटर में क्या क्या अपडेट्स मिल जाते हैं और क्यों ये स्कूटर बाकी सारे स्कूटर से यूनिक है, सब कुछ बताने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपको टीवीएस को कोई भी प्रोडक्ट देखना है या परचेस करना है तो आप एक बार क्लासिक टीवीएस डालीगन जरूर विजिट करें। शोरूम की डिटेल जो है आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं स्कूटर के फ्रंट साइड से। जुपिटर 110 को आप देखेंगे तो पहले से पूरा डिज़ाइन जो है वो चेंज हो चुका है। पहले से ज़्यादा ये स्पोर्टी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इसका लुक लगने लगा है अब, और पहले से काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर भी लगने लगी है। बाकी स्कूटर जो है पहले से लंबी भी काफ़ी हो गई है, काफ़ी चौड़ी भी हो गई है, इसके बारे में आपको आगे डिटेल से बताएंगे। बाकी इसका कर्ब वेट आता है 106 किलोग्राम का। बाकी फ्रंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का वाइजर मिलता है, यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग मिलती है, इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। और इसमें आपको फॉलो मी हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि एलईडी के आते हैं। इस पर डिटेलिंग जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छी करी गई है। फ्रंट एप्रन आप देखेंगे तो फ्रंट एप्रन जो है वो आपको मैट फिनिश में यहाँ पे मिलता है, और ये जो आप कलर देख रहे हैं ये है डॉन ब्लू मैट कलर, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम जो है वो ये कलर लग रहा है। यहाँ पर आपको TVS का लोगो मिल जाता है, हॉर्स का, ये 3D में आता है। बाकी यहाँ पर नंबर प्लेट माउंट करने का आपको मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका DRL मिलता है जो कि कनेक्टेड है, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और ये जब ग्लो होता है तो और भी बेहतरीन ये स्कूटर लगती है। इस पर भी डिटेलिंग जो है ओवरऑल TVS ने काफ़ी अच्छी करी गई है, और इसी में आपको जो है वो इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर एक ग्लॉसी ब्लैक कलर का एक पोर्शन मिल जाता है, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका मेड गार्ड आपको मिलता है जो कि मेटल का आता है। TVS जुपिटर में आपको मेटल का हमेशा से ही मेड गार्ड देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको जो है वो 220 mm की यहाँ पे पेटल डिस्क ब्रेक मिलती है, जिससे स्कूटर की लुकिंग जो है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और इसमें आपको SBT ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जिससे आप अगर फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा रेशियो में आपका रियर ब्रेक भी अप्लाई हो जाएगा, जिससे आपकी स्कूटर जो है वो स्किड नहीं होगी। बाकी फ्रंट और रियर दोनों में आपको 90x90 सेक्शन का यहाँ पे टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर इसमें आते हैं, और यहाँ पे आपको अलॉय व्हील भी देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल आपको फ्रंट लुक TVS जुपिटर 110 का कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अब आते हैं स्कूटर के साइड लुक पे, तो साइड से भी देखने में ओवरऑल काफ़ी चेंज हो चुकी है। आपको थोड़ी बहुत झलक इसमें जो है वो जुपिटर 125 की देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको जो है वो TVS इंटेलिगो असिस्ट का यहाँ पे स्टिकर देखने को मिल जाता है, इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। और बाकी फुट एरिया आप देखेंगे तो फुट एरिया भी इसमें आपको काफ़ी मिल जाता है, इसमें आप आराम से एक सिलेंडर रख के ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और साइड पोर्शन आप देखेंगे तो साइड पोर्शन ये जो है ये मेटल का आता है, और इस पर आपको जुपिटर की बैजिंग मिल जाती है जो कि 3D में आती है, और इस पर कोई भी स्टिकर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको फुट पैग्स मिल जाते हैं, इसकी क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। एग्जॉस्ट आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट में फुली ब्लैक आता है, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश भी मिल जाती है जो कि अराउंड देखने में थोड़ी अच्छी लगती है। और अब आते हैं स्कूटर के रियर लुक पे, तो रियर से भी ओवरऑल देखने में काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक ये स्कूटर लगती है। इसमें आपको कनेक्टेड जो है वो टेल लाइट मिल जाती है, और इसी में आपको जो है वो इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। TVS का यहाँ पे आपको 3D में लोगो मिलता है, और ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आता है जो कि अगेन देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी ग्रैब हैंडल आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल जो है वो आपको ग्लॉसी पेंट की फिनिश के साथ मिल जाता है। अब आते हैं स्कूटर के इंजन की तरफ, तो उसमें आपको इंजन जो है वो पहले से ज़्यादा मिलता है। पहले 110cc का 107cc के अराउंड आता था, लेकिन अब इसमें जो है वो है 113.3cc का एयर कूल इंजन आता है, और ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 7.91 bhp की 6500 rpm पे, और मैक्स टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है 9.8 Nm का 5000 rpm पे। तो पावर फिगर जो है वो पहले से थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए हैं। बाकी माइलेज की बात करें तो इसमें अराउंड जो है वो 45 से 48 km/h तक का माइलेज मिल जाएगा, और इसमें आपको जो है वो माइक्रो हाइब्रिड फीचर भी दे दिया गया है, जिससे आपकी बैटरी भी थोड़ी बहुत पावर इंजन तक जो है वो पहुंचा देगी। बाकी TVS की बैजिंग यहाँ पे आती है। मुझे एक शिकायत है TVS से, क्या 110 स्कूटर में जो है वो
किक क्यों हटा दी? पहले 125 में नहीं आती थी, लेकिन अभिनी ने जो है वो 110 में भी किक हटा दी है, तो ये मेरी एक शिकायत है टीवीएस से। बाकी रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और ये जो है वो थ्री वे एडजस्टेबल है, तो अपनी राइड के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी 130mm के आपको रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ में आता है, और आप दिखाते हैं इस जुपिटर की सीट में आपको कितना स्टोरेज मिलता है, तो ये भी एक अपडेट हुआ है यहाँ पे। इसकी सीट जो है वो इग्निशन से ही ओपन हो जाती है, तो इसकी सीट ओपन हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो है वो आपको टीवीएस जुपिटर 110 में स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हेलमेट जो है वो आराम से इसमें आ सकते हैं, और भी थोड़ा बहुत सामान वगैरह इसमें आप कैरी कर सकते हैं। अगर हेलमेट आप नहीं रखेंगे तो बहुत सारा सामान इसमें जो है वो आप ले जा सकते हैं, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। जितना आपको 125 में मिलता था उतना ही आपको 110 में भी अब स्पेस देखने को मिलता है, तो स्पेस से लेकर कोई भी शिकायत आपको स्कूटर में देखने को नहीं मिलने वाली है। अब आते हैं स्कूटर की सीट पे, तो आप सीट देखेंगे, सीट पहले से ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर इसकी सीट हाइट की बात करें तो 765mm की इसमें आपको सीट हाइट मिलती है, और कुशनिंग भी आप देखेंगे तो कुशनिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आपको थोड़ी बहुत लॉन्ग टूरिंग वगैरह करने में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको जुपिटर की बैजिंग मिल जाती है। ओवरऑल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा टीवीएस के बारे में कि जुपिटर 110 में जो है वो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग टीवीएस ने दी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डुअल टोन कलर में जो है वो सीट मिल जाती है, और सीट अगेन जो है वो काफ़ी लंबी है। राइडर अगेन दोनों की ही जगह आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस दिखाते हैं आपको कितना है, तो इसमें आपको जो है वो 163mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और इसका फ्यूल टैंक जो है वो यहाँ माउंट है, ये भी एक अपडेट हुआ है। पहले आपको फ्यूल टैंक पीछे मिलता था जो कि यहाँ से खुलता था, लेकिन अब जो है वो आपको यहाँ फ्रंट पे ही इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 5.1 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, और ये भी जो है वो इग्निशन से ही ओपन हो जाता है। यहाँ से इसको आप ऐसे ओपन करके फ्यूल फिलअप करा सकते हैं। बाकी अगर बात करें इसके स्टोमिंग क्लस्टर की, लेकिन उससे पहले इसकी चाबी दिखा देते हैं आपको, तो की फॉब जो है वो आपको नॉर्मल सी मिल जाती है, की उतना जो है वो कुछ खास नहीं है, आपको नॉर्मल सी की मिल जाती है। बाकी इसका इग्निशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन इग्निशन मिल जाता है, और यहाँ पे इसका USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो ऑन द गो जो है वो अपनी स्कूटर से आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन भी मिल जाता है, आपको यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है। और अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो इसमें आपको जो है अब फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, और इसमें आपको जो है वो एवरेज इकोनॉमी दिखा देगा। यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीडोमीटर, इको और पावर की लाइट यहाँ पे दिखा देगा। बाकी यहाँ पे आपको रेंज दिख रही है, और अगर इसको आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आपको ट्रिप ए मिल जाएगा, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, ऑडोमीटर वगैरह यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, और इसको आप अगर ब्लूटूथ के साथ पेयर करेंगे स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ, तो और भी काफ़ी सारे फीचर्स आप इसमें देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे साइड में टेल लैंप्स मिल जाते हैं इसके। यहाँ पे भी आप देखिए तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सी फिनिश करी है डैशबोर्ड पे टीवीएस ने, जो कि अगेन देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब आते हैं बाइक स्कूटर के स्विचेस पे, तो राइट साइड में आपको जो है वो यहाँ पे इंजन कट ऑफ स्विच मिलता है। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो सिग्नल वगैरह पर जो है वो स्कूटर ऑफ हो जाएगी, और आप जैसे ही ब्रेक दबा के थ्रॉटल लेंगे तो ये स्कूटर ऑन हो जाएगी, तो आपका फ्यूल भी इससे सेफ रहेगा, और आपको कन्वीनियंट भी थोड़ी इससे मतलब मिल जाएगी। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट का स्विच मिलता है, इसमें आपको साइलेंट स्टार्टर मिलता है, और यहाँ पे आपको वॉइस असिस्ट का भी स्विच मिल जाता है, तो आप इसमें वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है, इसी में आपको पास का स्विच मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे टर्न सिग्नल का स्विच मिलता है, और इसी में जो है वो हैजार्ड का स्विच भी जो है वो मिल जाता है, तो अगर आपको हैजार्ड ऑन करना है तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है यहाँ पे जुपिटर में। बाकी नीचे आप देखेंगे तो आपको हॉर्न का येलो कलर का मिल जाता है स्विच। बाकी स्कूटर में काफ़ी सारे फीचर्स और भी दिए गए हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपका इस स्कूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कंफ्यूज आपको कौन सी बाइक स्कूटर परचेस करनी चाहिए, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम भी बात कर सकती हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, पहली बार कोई वीडियो देख रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।